सबसे पहले हम लोग इम्पोर्ट करेंगे जो हमने टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी है, क्रोम टेक्स्ट फाइल। बेसिकली ये क्रोम टेक्स्ट फाइल मैंने फोटोशॉप के अंदर क्रिएट करी है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आप ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग टेक्स्ट को क्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के अंदर। प्लस हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे अदर सपोर्टिंग फाइल्स जो हमें रिक्वायर है, ये पूरा इंट्रो या फिर आप कह सकते हैं जो ट्रेलर क्रिएट करने के लिए, उन सब फाइल्स को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सारी फाइल्स इंपोर्ट करने के बाद में हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में हम लोग जो हमारा मेन बैकग्राउंड फ्लेयर है फाइल, उसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर। इसको हम लोग ट्रैक 3 के ऊपर शिफ्ट करेंगे एंड देन इस पर डबल क्लिक करके हम लोग इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे और स्क्रीन पे करेंगे। प्लस कलर के अंदर जाएंगे और एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे और इसके कलर को हम लोग बूस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से बूस्ट कलर ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। देन हम लोग प्ले हेड को हमारे ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि जहाँ पे हमारी पहली बीट एंड हो रही है उस पॉइंट तक हम लोग बैकग्राउंड को रखेंगे और बैकग्राउंड को उस पॉइंट पे हम लोग श्रिंक कर देंगे। अब हम लोग इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग विग्नाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 2 के ऊपर और इसको भी हम लोग रिड्यूस करके और क्लिप के साइज़ के साथ में मैच करवाएंगे। देन जो हमारी बैकग्राउंड क्लिप है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसको भी हम लोग रिड्यूस करेंगे हमारी अदर क्लिप्स के साइज़ के साथ में। देन विग्नाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके रेडियस को हम लोग 55% पर रिड्यूस करेंगे। अब प्ले हेड को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर लेके जाएंगे और यहाँ पर हम लोग हल्का सा ऑडियो को एडजस्ट करेंगे कि हमारा ऑडियो के स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही ब्लैंक है, तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद में प्ले हेड को स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन लेके जाएंगे और बैकग्राउंड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और एनिमेशन में जाएंगे। कस्टमाइज के अंदर यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम ऐड करेंगे और स्केल को इंक्रीज करेंगे 200 पे एंड देन हम लोग प्ले हेड को 7-8 फ्रेम्स फर्दर लेके आएंगे और 8 फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे स्केल को अगेन 100 पे कर देंगे। 100 पे करने के बाद में हम लोग अगेन कुछ फ्रेम्स फर्दर आएंगे, आप कह सकते हैं 5 फ्रेम या 6 फ्रेम फर्दर आएंगे और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे। देन प्ले हेड को एंड पॉइंट पे लेके जाएंगे और बैकग्राउंड क्लिप पे एंड पॉइंट पे हम लोग स्केल को इंक्रीज कर देंगे और कर देंगे 120 पे। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। अब हम लोग हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 4 के ऊपर और इसके भी साइज़ को हम लोग रिड्यूस करेंगे और मैच करवाएंगे क्लिप के साइज़ के साथ में। देन जो हमने फर्स्ट की फ्रेम लगाया था उसी पॉइंट पे हम लोग इसकी स्केल को इंक्रीज करेंगे और 400 पे करेंगे एंड जो सेकंड की फ्रेम था उसके ऊपर ही इसकी स्केल को हम लोग रिड्यूस कर देंगे और कर देंगे हम लोग 100 पे। 100 या फिर 80 आप लोग रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 80 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और थर्ड की फ्रेम पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे। देन अगेन सेम प्रोसेस, प्ले हेड को एंड पॉइंट पे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम लोग हमारे टेक्स्ट की स्केल को इंक्रीज कर देंगे और 100 पे कर देंगे। अब हम लोग जो हमारा रेडियल फ्लेयर है, राउंड फ्लेयर है जो, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 5 के ऊपर और इस पर क्लिक करके इसकी स्पीड को हम लोग इंक्रीज करेंगे और इसकी स्पीड को हम लोग कर देंगे 3x पे। स्पीड इंक्रीज करने के बाद में अब इसकी पोजीशन को हम लोग अलाइन करेंगे, तो इसकी पोजीशन को हम लोग उस हिसाब से अलाइन करेंगे कि जहाँ पे हमारा टेक्स्ट बम्प हुआ है बैकग्राउंड के ऊपर और ये फ्लेयर हमें उस पॉइंट पे शो हो, तो उस हिसाब से हम लोग इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद में वीडियो में जाएंगे और इसकी स्केल को हम लोग 400 पे कर देंगे। अब हम लोग स्पार्क को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 6 के ऊपर और इसकी भी पोजीशन को हम लोग अलाइन करेंगे और इस पर डबल क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पे कर देंगे एंड देन इसकी पोजीशन को हम लोग अलाइन करेंगे। पोजीशन अलाइन करने के बाद में राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाएंगे और इसकी स्पीड एंड ड्यूरेशन को हम लोग जो हमारी दूसरी क्लिप है उनके साइज़ के साथ में मैच करवाएंगे। अगर आप स्पीड एंड ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको सिंपली ड्रैग करके भी इसकी ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। देन अगेन एक और बार इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और सेम क्लिप के ऊपर अलाइन करेंगे मगर इस पर डबल क्लिक करके इसकी स्केल को हम लोग 150 पे कर देंगे, ज़्यादा हमें स्पार्क्स मिलेंगे यहाँ पे।
देन हम लोग जो हमारे स्पार्क्स हैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर और इसके पोजीशन को हम लोग यहाँ पे अलाइन करेंगे। पोजीशन अलाइन करने के बाद में राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाएंगे और जो हमारी रेस्ट ऑफ क्लिप की जो ड्यूरेशन थी उसी ड्यूरेशन पे इसके ड्यूरेशन को हम लोग सेट करेंगे। तो 4 सेकेंड पे हम लोग इसके ड्यूरेशन को सेट करेंगे। देन इस पर डबल क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे करेंगे और इसको अगेन एक बार कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे ट्रैक 9 के ऊपर। एंड देन इस क्लिप को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको हॉरिजेंटली फ्लिप कर देंगे तो हमें यहाँ पे स्पार्क्स और ज़्यादा मिलेंगे, ऑन स्क्रीन स्पार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास। अब हम लोग जो ग्रेन है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 10 के ऊपर और डबल क्लिक करके इसको भी हम लोग ब्लेंडिंग और इसके भी ब्लेंडिंग मोड को हम सेट करेंगे स्क्रीन पे। अब इन सारी क्लिप्स को हम लोग कॉपी करेंगे और प्ले हेड को हम लोग क्लिप के एंड पॉइंट पे लेके आएंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हम लोग फर्दर टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। जो हमारी स्टॉक फुटेज है अब उसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसकी भी ड्यूरेशन को हम लोग हमारे जो साउंड है उसके हिसाब से सेट करेंगे। साउंड के हिसाब से सेट करने के बाद हम लोग टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और टेक्स्ट की ड्यूरेशन को भी हम लोग जो हमारी स्टॉक वीडियो फाइल थी उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से सेट करेंगे। प्ले हेड को टेक्स्ट के स्टार्टिंग में लेके जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे और एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे स्केल को हम लोग इंक्रीज करेंगे 400 पे एंड अगेन 8 फ्रेम्स फर्दर आएंगे और यहाँ पे हम लोग इसकी स्केल को रिड्यूस कर देंगे और 100 पे कर देंगे। 190 या 80 आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 90 पे इसकी स्केल को सेट करता हूँ। अब जो हमारी स्पार्क्स थी हम लोग उनको कॉपी करेंगे और फर्दर पेस्ट कर देंगे। देन हम लोग मीडिया बिन से ऑफलाइन 2 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 7 के ऊपर और वीडियो में जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे कर देंगे और यहाँ पे अब इसकी पोजीशन को हम लोग अलाइन करेंगे। तो वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे इसकी पोजीशन को हम लोग अलाइन करेंगे। आप इसकी पोजीशन को अपने हिसाब से भी अलाइन कर सकते हैं। पोजीशन अलाइन करने के बाद में इसकी ड्यूरेशन को भी हम लोग अलाइन करेंगे जो हमारी मेन क्लिप है उसके ड्यूरेशन के साथ में। प्ले हेड को फर्स्ट की फ्रेम पॉइंट पे लेके जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी ऑफलाइन 2 थी इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे एंड सेकंड फ्रेम पे ऑफलाइन 2 की ओपेसिटी को हम लोग 100% कर देंगे। अब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्पार्क 2 को ट्रैक 10 के ऊपर और इसकी पोजीशन को यहाँ पे अलाइन करेंगे जहाँ पे हमारा टेक्स्ट आके स्क्रीन पे शो हो रहा है वहाँ पे इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को रखेंगे एंड डबल क्लिक करके वीडियो के अंदर जाएंगे और ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे करेंगे और इसकी हल्की सी वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग एडजस्ट करेंगे हमारी मेन क्लिप के हिसाब से। और सेम वे से हम लोग फर्दर क्लिप्स को भी क्रिएट करेंगे। फर्दर क्लिप्स को क्रिएट करने के बाद में अब हम लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ वॉर सिनेमैटिक टाइटल और फॉर्मेट MP4 सेलेक्ट करेंगे एंड आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करेंगे इसके लिए हम लोग। आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद में रेजोल्यूशन में जाएंगे, क्वालिटी को बेस्ट पे करेंगे, फ्रेम रेट को हम लोग 60 फ्रेम पर सेकेंड पे करेंगे और बिट रेट को हम लोग 20,000 पे ही रहने देंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी यह हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा लगेगा जो हमने सिनेमैटिक ट्रेलर तैयार किया है।